पूजा का टाइम हो गया है और सब लोग निकल रहे हैं। मम्मी सारी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। क्या क्या लगता है सब देख सकते हैं, यहाँ पे लगा रही हैं अभी सब लोग अपना पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी भी इधर तैयारी कर रही हैं अपना। अभी काफी भीड़ भाड़ हो जाएगा यहाँ पे, धीरे धीरे लोग आना चालू हुए हैं। भीड़ भाड़ हो जाएगा और सोनाक्षी नहीं आई, सोनाक्षी भी आते सही रहते हैं, पता क्या करती है तो चलिए पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त तो हो गया है और सब लोग चलते हैं घर की तरफ और ले लेते हैं मम्मी से। घोड़े गिर रहा, हाँ जो गिरा है चलो। तो जो लोग लेट आए वो अपना पूजा कर रहे हैं, मम्मी पहले आ गई थी तो अपना पूजा कर लिए चल रही है। A few moments later. तो हे फैमिली, आप सब देख सकते हैं वल्ला जी यहाँ पर लाइव आई हुई हैं। लेट कर फेसबुक पर लाइव आई हैं और मैं यहाँ पे देख सकते हैं मटर छिल। मटर मैंने आधा छिलके रखा है, ये मत सोचो उसमें मत दिखाओ भाई, कमेंट करने लगे बीबी आराम का लाइव आदमी काम भाई दिखाना। देखो भाई यहाँ पर ना मैंने मटर छिलके रखा है, तो मैंने बोला इतने लाए थे, एक पाव लाए थे, तो फिर मैंने बोला जा और खरीद के लाओ, तो मैंने बोला मेरा टाइम थोड़ा सा फेसबुक कुछ अपडेट है जो मैं इसको पूरा कर रही हूँ, तो ये मत सोचना नहीं कोई गाली देने के लिए बैठे रहेंगे वहाँ पर। एक पाव मटर इन्होंने छीला, बाकी फिर मैं लेके आया हूँ तो मैं छील रहा हूँ, बोले कि कम पड़ जाएगा, तो बोले कितना मैं छील दी हूँ अब छील दो, मैं बोला कि बिल्कुल छील देंगे, इसमें क्या करना है। आधा किलो फिर ले जाना, आधा किलो नहीं उसके पास इतना बचा था, बोला कि ले लो, यही ₹40 बताओ, 50 का आधा किलो था तो बोला कि 40 ही दे दो ले जाऊंगे, चल दे दे भाई। हेलो जी, तू भी जा बंदन में करके। तो चलिए लाइव है और हम खेल लेते हैं मटर, मिलते हैं कुछ देर बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज दिन हो गया है शनिवार का, बोलिए शनि भगवान की जय। और हम जल चढ़ा के आ गए हैं, ऋषभ भी आज साथ में गया था जल चढ़ाने और वन्ना जी भी गई थी, तो देख सकते हैं वन्ना जी आ गई हैं जल चढ़ा के। तो क्या हुआ, तो वहाँ पे लेडीज बैठी रहती हैं, तो जल चढ़ाने के बाद ये अपना प्रवचन के बारे में और प्रदीप मिश्रा के बारे में बातें करती हैं, कहाँ पे उनका प्रवचन चलेगा, तो यहाँ आ गई हैं। तो बेलपत्र सबको दे रही हैं। कुंदकेश्वर महादेव नाम से खड़ा कर पापा, सराची कुछ पूछ रही थी बता। मैंने क्या पूछा, झूठ कितना बोलता है, बोला मेरे। जल भी दे रही है पीने के लिए, आज ऋषभ भी गया था जल चढ़ाने ना ऋषभ। पापा बता दो क्या थे? बुक बुक लेकिन जाता है बहुत दुखी करता है जी, परेशान कर देता है। परेशान तो करता ही उठो नहीं, बच्चे तो परेशान ही करेंगे। हाँ बच्चे, बड़े बच्चे हो कि हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। मैं
जब जल पीते हैं ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तब पीते हैं, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नो जल ऋषम, तो सबको जल बेलपत्र दे रहे हैं। एक लोग ना मैसेज की थी, आप पीपल का पत्ता कितने दिखाते हो, पीपल का नहीं बेलपत्र, पैर के पास नहीं रखते, जल पत्र नहीं बेलपत्र, बेलपत्र खाते हैं। देखो चलो बच्चा है कोई बात नहीं, तो चलिए हम भी ले लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए फैमिली, मैं तैयार हो गया हूँ ड्यूटी जाने के लिए। ऋषभ बेटा सॉक्स निकाल दो। अरे ये तो अलग अलग है। ऋषभ अलग अलग सॉक्स लेके आए, कह रहा ये लोग एक ही कलर का, देखो कहाँ मिल गया, ढूंढ के निकालो। ये सब सॉक्स लगे हुए हैं। हाँ एक तो और, तब तक मैं पानी ले लेता हूँ बोतल का, फिर उसके बाद निकलते हैं। रमैया वस्ता भैया मिलते हैं। सब देखो मेरा कपड़ा, मेरा सॉक्स ढूंढने के चक्कर में इतना कपड़ा फैला दिया है, और वन्ना जी यहाँ आके चिल्ला रहे हैं। एक और काम में राम क्यों कर रहे, खाली खाली फैला फैला के रखा है। तो ऋषभ बेचारा मेरा सॉक्स ढूंढा, उसके बाद उठा के फिर कपड़ा पूरा बाल्टी में रख रहा है। तो चलते हैं, अपन सॉक्स धोवा कर ना, धोए के अपन टांग दिवा कर, इतना हम जिम्मेदारी ना ही लिए इतना सब कर। शादी का है की हो, शादी की तब कौन साफ करेगा, हम नहीं जानते कौन करेगा। इंसान तो इतना तो कर सकता है, मोजा बनियान चड्डी तो अपना साफ करके स्वयं रख सकता है। हमको ध्यान रहता है कि किसका चड्डी कहाँ बा, गंजी कहाँ, मोजा कहाँ बाटे। घर में तुम हो तो कौन करेगा फिर, घर में है बस बच्चों को खाना फिर बनाने के लिए खिलाने के लिए। अब मुझे अब तुमने भगवान उठे हाथ पैर दिए, कह सकता था समझा नहीं, मैं क्या बाहर वाला हूँ। हाँ तो बाहर वाला है ऋषभ बेटा, अपनों से धोगा तो दूसरा धोए तो फिर रात रात है। ऋषभ बेटा बाय, स्वयं क्या कर ऋषभ, अरे बाय तो कर लो यार ऋषभ, अरे बाय तो कर लो। क्या बेटा ऋषभ, अरे संतरा तुम खा लेना, जाओ खा लेते हो ना, तो ऋषभ संतरा खाता है, जाओ ठीक है बाय ना। तो ऋषभ संतरा दे रहा था, मैं बोला तुम खाते हो खा लेना, केला मुझे दे दो, केला कोई नहीं खाता खराब हो जाता है। तो मैं काम पे निकल रहा हूँ, और सासू माँ ने काफ़ी अच्छा और कठिन व्रत रखा था जीतिया का, जो कि पूरा दिन पानी नहीं पिया उन्होंने, खाने की बात तो बहुत दूर है, पानी तक नहीं पिया। उसके बाद आज सुबह मॉर्निंग में 9 बजे उन्होंने अपना व्रत खोला, पानी उन्हें पिया, तब उसके बाद मैं सोचा यार वीरवार को भी व्रत रहती हैं। उसके बाद फिर फ्राइडे को जीतिया पड़ गया, तो फ्राइडे को भी उन्होंने पूरा दिन पानी तक नहीं पिया, फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में उन्होंने पानी पिया, अपना व्रत खोला। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक करते हैं बाय बाय।